अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और दरूद ला महदूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज के अंदर, बारगाह पुरवकार के अंदर, हदियतन अकीदतन मुहब्बतन नजरानतन तोहफतन मवदतन अदबन पेश करने के बाद जानलेवा बीमारी से शिफा याबी। एक खातून लिखती हैं कि मेरी एक सहेली थी, उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, अच्छी जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक उसको एक बीमारी लग गई। बीमारी इतनी शदीद थी कि बढ़ती जा रही थी। उस बीमारी को कैंसर भी कह सकते हैं, यहाँ तक के सर के बाल भी उतरने लग गए थे। वो बहुत लागर और कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज चल रहा था, मगर उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती थी। एक दिन हस्बे मामूल चेकअप के लिए डॉक्टर्स के पास गई, टेस्ट हुए तो रिपोर्ट मनफी आई। बल्कि इस बार डॉक्टर्स ने तसल्ली देने की बजाय इंतहाई दिल दहला देने वाली बात की कि आपके पास सिर्फ 5-6 महीने रह गए हैं, आपकी बीमारी नाकाबले इलाज है, और अगर अद्वियात जारी भी रखी जाए तो 8-9 माह से ज्यादा आप जिंदा नहीं रह सकती। ये सुनकर वो सकते में आ गई और इतना रोई कि आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर आकर उसने मुझे फोन किया और सारी बात बताई। फोन पर भी रोए जा रही थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फोन बंद करने के बाद मैं सीधा उसके घर पहुंच गई। वो मुसलसल अपने मासूम बच्चों को देखकर रोए जा रही थी। मैंने उसे बहुत तसल्ली दी, आखिर रोते हुए कहने लगी कि तुम पर कोई मुश्किल वक्त आया हो तो तुम क्या करती हो। मैंने कहा, दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, तुम भी दरूद शरीफ पढ़ो। उसने मेरी बात सुन तो ली, मगर वो चाहती थी कि फौरन उसे कोई मौजा हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। मैं उससे यही कहती रही कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जात अक्दस पर दरूद शरीफ पढ़ो, फिर देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चुनाचे उसने मेरी बात पर अमल करना शुरू कर दिया और रोजाना जितना हो सका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजती रही। कुछ दिन के मुसलसल विर्द से उसको अपने अंदर कुछ बेहतरी महसूस होना शुरू हुई। वो समझती थी कि दवाओं की वजह से मेरी तबीयत ठीक होने लगी है। 3 माह के बाद दोबारा डॉक्टर्स को चेक करवाने के लिए गई। उसने जाने से पहले मुझे फोन किया। वो बहुत घबराई हुई थी कि पता नहीं रिपोर्ट्स में अब क्या आएगा। मैंने उसे फिर से तसल्ली दी कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की जात अक्दस पर दरूद शरीफ पढ़ती रहो और देखना कि दरूद शरीफ की बरकत से सब बेहतर हो जाएगा। रिपोर्ट्स करवाने के बाद डॉक्टर्स ने इसे एडमिट कर लिया और कहा कि रिपोर्ट्स 10 घंटे बाद आएंगी। फिर जब रिपोर्ट्स आई तो उसे मजीद 3 घंटे इंतजार करने को कहा गया। इसी अस्ना में वहाँ से लैब टेस्ट वालों का गुजर हुआ तो उन्होंने रुक कर उसे देखा और एकदम से नाम पूछा और शोहर का नाम पूछा तो उसने असबात में सर हिलाया। फिर वो हैरत से आपस में सरगोशी से कहने लगे कि ये रिपोर्ट्स तो इन्हीं की हैं, और उससे कहा कि आप मेरे साथ अंदर डॉक्टर के पास चलें। वो अंदर गई तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स की स्कैनिंग की और उसे बगौर देखने लगे। फिर उससे कहा, आप इस तरफ आकर बैठे। वो डॉक्टर के करीब वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर बहुत हैरत से कभी उसकी जानब और कभी रिपोर्ट्स की जानब देखता। फिर पूछा कि आप कहीं और से भी इलाज करवा रही हैं क्या। उसने कहा नहीं। अब वो घबरा गई और डॉक्टर से कहने लगी कि डॉक्टर साहब,
साहिब बात क्या है, आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी पुरानी रिपोर्ट्स देख रहा हूं जिस पर आपको 6 से 8 माह का टाइम दिया हुआ है और उस पर आपके दस्तखत भी हैं। इस पर मेरी सहेली ने कहा जी मालूम है। फिर डॉक्टर ने कहा और अब आपकी नई रिपोर्ट्स भी मेरे सामने हैं जिसमें हर चीज पॉजिटिव आ रही है, यानी कि इस बीमारी का वजूद ही नहीं आप में। वो कहती है मैंने उस वक्त कुछ नहीं देखा कि मैं डॉक्टर के पास बैठी हूँ या हॉस्टल में। उस वक्त कुर्सी से उठी और वहीं जमीन पर सजदे में गिर गई और इतना रोई कि जब रो रो कर मेरे आंसू थम गए तो मुझे तसल्ली देकर सबने उठाया। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे मेरी दोस्त ने कहा था कि तुम दरूद शरीफ पढ़ो तो मैं रात को सोने से पहले 300 मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद भेजकर सोती थी और ये सब बरकात दरूद शरीफ की है कि इस जानलेवा बीमारी से मुझे शिफा मिली। वो दिन और आज का दिन, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेहतयाब है, उसे कोई तकलीफ नहीं है, घर के काम काज भी बाकायदगी से करती है और बच्चों को भी संभालती है जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। सच ये है कि दरूद शरीफ हर मुसीबत मुश्किल और परेशानी की घड़ी में अपने पढ़ने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अलैहि वालिहि।